वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कारगर रही तो इस बीमारी का पहला टीका होगा। 2018 में इससे केरल में 17 मौतें हुई थी। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस की एक वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इसकी टेस्टिंग सफल रही तो यह निपाह वायरस की पहली वैक्सीन होगी। डॉक्टर्स दवाओं के जरिए निपाह वायरस के लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते 18 से 55 की उम्र के 52 पार्टिसिपेंट को इस वैक्सीन के डोज दिए गए। अब वैक्सीन का पार्टिसिपेंट के ह्यूमन सिस्टम पर क्या असर हो रहा है, इसे स्टडी किया जा रहा है। यह डोज उसी तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के COVID-19 शॉट्स में किया गया था। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की निगरानी में हो रही है टेस्टिंग। संभावित वैक्सीन की टेस्टिंग ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की निगरानी में की जा रही है। इस ग्रुप को CEPI फंड दे रहा है। CEPI एक वैश्विक गठबंधन है जो कि नई संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन बनाने का समर्थन करता है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्न ने भी निपाह वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया था। 2022 में मॉडर्ना ने US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के साथ मिलकर वैक्सीन बनाना शुरू किया था। हालांकि इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 2018 में केरल में सामने आए थे निपाह के मामले। केरल में कोझिकोड और मलप्पुरम जिले के निपाह वायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद निपाह वायरस का मामला 2019 में कोची में सामने आया था। वहीं 2021 में भी कोझिकोड में निपाह वायरस का एक केस मिला था। सितंबर 2023 में भी 6 लोग निपाह से संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा कोझिकोड में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 6 साल में 4 बार निपाह वायरस से होने वाले संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए केरल में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए थे। गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने कुन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी कर दिया था। यहाँ की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया था। निपाह जूनोटिक वायरस है। निपाह वायरस एक तरह का जूनोटिक इन्फेक्शन है जो कि जानवर से फैलता है। टोरंटो हेल्थ साइंस सेंटर की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर समीरा मुबारिका का कहना है कि निपाह चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया में सुंगई निपाह गांव में एक पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा है। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। मलेशिया मामले की रिपोर्ट्स के मुताबिक पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए हैं। मलेशिया में निपाह सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले थे। कुछ वक्त बाद बांग्लादेश से जुड़ी भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह मरीज पाए गए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।